हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे ग्रेटर नोएडा के टॉप 3 कॉलेजेस के बारे में। अगर कोई भी स्टूडेंट ग्रेटर नोएडा में एडमिशन लेता है तो वो इन कॉलेजेस में ज़रूर ट्राई करता है। तो बहुत सारे लोगों को डिमांड थी कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो हमने सोचा कि तीनों कॉलेजेस को इंक्लूड करके एक वीडियो बना दी जाए, जिससे आप सभी को काफ़ी हेल्प मिल जाए और आप आराम से एडमिशन ले सको। वीडियो शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ अबू फरहान एंड यू आर वॉचिंग कॉलेज स्कूल। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या आप रेगुलर वीडियोस हमारी देखते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर लो। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आगे वीडियो और बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। एंड अगर आप इन तीनों कॉलेजेस के स्टूडेंट से बात करना चाहोगे तो भी आप हमें कॉल कर सकते हो, हम आपसे उनसे बात करा देंगे, जिससे आपको रियल फीडबैक मिलेगा और आप जेन्युइन फीडबैक लेके आप उन कॉलेज में इजी तरीके से एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि मैं बहुत देखता हूं कि जितने भी लड़के मुझे कॉल करते हैं वो मोस्टली कंफ्यूज होते हैं। इन्हीं सभी डाउट को क्लियर करने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रो में हमने बात कर ली है कि आज हम तीन कॉलेज के बारे में बात करेंगे, लॉयड एंड जीएल बजाज एंड जीएनआईओटी। सो अगर हम सबसे पहले बात करें लॉयड कॉलेज की, तो लोकेशन सारी की सेम है, सारी आपको ग्रेटर नोएडा में मिलेगी। एंड अगर हम इसके फाउंडेशन ईयर की बात करें तो लॉयड जो है वो 2003 में बना है, जीएल बजाज जो है वो 2007 में बना है एंड जीएनआईओटी जो है वो 2001 में बना है। एंड अगर हम इसके कॉलेज टाइप की बात कर लें तो कॉलेज टाइप है लॉयड भी प्राइवेट है एंड जीएल बजाज भी प्राइवेट है एंड जीएनआईओटी भी प्राइवेट है। तो ओवरऑल सारे कॉलेजेस प्राइवेट है, आप सभी काफ़ी अच्छे से जानते हो। एंड अगर हम इसके अफिलिएशन की बात कर लें तो अफिलिएशन तीनों कॉलेज AKTU से आपको देखने को मिलेंगे। एंड इसमें कुछ कोर्सेज होते हैं जैसे BBA हो गया, BCA हो गया, जैसे BCOM हो गया, और भी कुछ कोर्सेज होते हैं जो कि IP यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होते हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से। लेकिन BTech एंड MBA बहुत कम देखे जाते हैं कि IP यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड हों ग्रेटर नोएडा के कॉलेजेस। एंड अगर हम कोर्सेज की बात करें तो लॉयड जो प्रोवाइड करता है वो करता है PGDM, MBA, BBA, MCA एंड LLB। एंड अगर हम जीएल बजाज की बात करें तो जीएल बजाज ऑफर करता है आपका BTech, PGDM, MBA, BBA, BCA एंड MCA। एंड अगर हम GNIOT की बात करें तो GNIOT प्रोवाइड करता है BTech, PGDM, MBA, BCOM, डिप्लोमा, BBA, BCA, MCA और भी बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये रहे तीनों कॉलेजेस के फाउंडेशन ईयर, कॉलेज टाइप, अफिलिएशन एंड कोर्सेज। अब हम नेक्स्ट देखते हैं तीनों कॉलेजेस में क्या डिफरेंस है एंड क्या सिमिलरिटीज़ है। तो अब हम फीस की बात करेंगे, किस कॉलेज में कितनी कितनी किस किस कोर्सेज में फ़ीस है। सो अगर हम BTech की बात करें सबसे पहले लॉयड कॉलेज में, तो आपको 550,000 देखने को मिलेगी। एंड सेम टू सेम आपको GL बजाज में भी 550,000 देखने को मिलेगी। एंड अगर हम GNIOT की बात करें तो 435,000 आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है और आप थोड़ा सा बचत करना चाहते हो तो आप GNIOT में BTech के लिए जा सकते हो। एंड अगर हम PGDM की बात कर लें तो PGDM में जो लॉयड की फ़ीस है वो भी आपको 6 लाख देखने को मिलेगी। एंड GL बजाज की फ़ीस है वो भी 6,48,000, ये भी लगभग सेम ही है, 50,000 का भी डिफरेंस है। एंड GNIOT की अगर हम बात करें तो ये आपको 5,76,000, तो लगभग 50-60,000 का लगभग सारों में डिफरेंस है। मतलब आप 6 के अराउंड मान लो कि एवरेज जो PGDM की फ़ीस होती है ग्रेटर नोएडा दिल्ली NCR में, आप जो एवरेज कॉलेजेस होते हैं तो उनमें आपकी 6 लाख 6 लाख 30,000 ऐसे ही होती है, लगभग आप एवरेज 6 लाख मान लो। एंड अगर हम बड़े कॉलेजेस की बात करें जैसे कि BIMTech हो गया या फिर फॉस्टिमा हो गया, तो इन कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो इनमें काफ़ी कॉस्टली फ़ीस होती है, तो फिर उसमें थोड़ा सा मतलब बजट इशू आने लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का देखने को मिलता है। तो अभी हम MBA के बारे में बात करेंगे कि लॉयड की जो फ़ीस है MBA की वो है 3 लाख, एंड जो GL बजाज की लॉयड की फ़ीस है वो है 5,75,000, एंड GNIOT की जो फ़ीस है वो है 2,52,000। एंड अगर हम BBA की बात करें तो BBA में आपकी लॉयड की जो फ़ीस है वो है 2 लाख, एंड GL बजाज की जो फ़ीस है वो 2,86,000 है। जो अगर हम GNIOT की फ़ीस की बात करें तो 2,15,000, तो ये मिड रेंज में आ रहा है एवरेज दोनों कॉलेजेस के बीच में। लॉयड जो है वो MCA नहीं कराता है, तो इसलिए मैंने इसमें नॉट अवेलेबल लिख दिया है। एंड अगर हम GL बजाज की बात करें तो इसमें भी 2,86,000 BBA के जैसे ही फीस है, बिल्कुल सेम टू सेम BBA के इक्विवेलेंट है। एंड अगर हम MCA की बात करें तो MCA की जो टोटल फ़ीस है वो आपको 2 लाख देखने को मिलेगी लॉयड में। एंड अगर हम GL बजाज की बात करें तो
250,000 देखने को मिलेगी। एंड अगर हम GNIOT की बात करें तो 187,000 आपको देखने को मिलेगी GNIOT में। एंड अगर हम BCOM की बात करें तो BCOM की जो फीस है वो आपको 155,000 लॉयड में देखने को मिलेगी एंड GL बजाज में नॉट अवेलेबल है। एंड अगर हम GNIOT की बात करें तो 155,000। नेक्स्ट देखते हैं क्या सिमिलरिटीज़ हैं इन कॉलेजेस में। प्लेसमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में, हमारी स्टडीज़ में, हमारे कॉलेज चॉइस ऑप्शन में। तो अगर हम सबसे पहले लॉयड कॉलेज की हाईएस्ट प्लेसमेंट देखें तो इसमें 16 लाख के करीब गया हुआ है हाईएस्ट प्लेसमेंट। एंड जो एवरेज प्लेसमेंट जाता है वो 6.5 लाख के करीब जाता है। ये ओवरऑल सारे कोर्सेज को कंप्लीट करके एवरेज प्लेसमेंट निकाला गया, जैसे PGDM हो गया, MBA हो गया, BCA हो गया, LLB हो गया, सारे जो मतलब कॉलेजेस में जो कोर्सेज होते हैं उन सारों को एवरेज पैकेज निकाला गया है। एंड अगर हम GL बजाज की बात करें तो GL बजाज में BTEC में काफ़ी हाई प्लेसमेंट जाता है, इस वजह से इसमें देख रहे होंगे प्लेसमेंट काफ़ी हाई गया हुआ है। तो 31 लाख के अराउंड इसमें आपको प्लेसमेंट मिलेगा हाईएस्ट। एंड जो एवरेज प्लेसमेंट जाता है और लगभग कोर्सेज में वो है 6,03,000। एंड अगर हम GNIOT की बात करें तो GNIOT में जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है वो गया हुआ है 17,75,000। एंड जो एवरेज प्लेसमेंट जाता है वो जाता है 5,05,000। तो ये रहे हाईएस्ट एंड एवरेज प्लेसमेंट। अब हम देख लेते हैं और क्या सिमिलरिटीज़ है हॉस्टल से रिलेटेड इन कॉलेजेस। तो हॉस्टल डिटेल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम लॉयड कॉलेज की बात करेंगे तो इसमें फुल्ली एसी रूम आपको मिलेगा, हाइजेनिक फूड मिलेगा एंड वाईफाई कैंपस में मिल जाएगा आपको। एंड सिक्योरिटी जो है वो आपको 24 घंटे मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर गर्ल्स। एंड अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है इसमें। एंड अगर हम लॉन्ड्री की बात करें तो लॉन्ड्री भी अवेलेबल है इसमें। एंड अगर हम GL बजाज की बात करें कि GL बजाज में क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, तो इसमें भी आपको फुल्ली एसी रूम मिल सकता है एंड 24/7 आपको सिक्योरिटी मिल सकती है, पावर बैकअप मिल सकता है। ये लगभग सारे हॉस्टल्स में होते हैं ताकि कोई भी परेशानी ना हो इन फ्यूचर, रात में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी बैकअप नहीं होता तो फिर बच्चे इतना हूटिंग करते हो इतना चिल्लाएंगे, वार्डन को गाली देंगे, मतलब लाइट जाना भी अपने आप में एक इवेंट एक तरीके से होता है, बहुत मज़ा आता है। एंड अगर हम इंडोर गेम की बात कर लें तो ये GL बजाज प्रोवाइड करता है। एंड इसमें बायोमेट्रिक आपकी एंट्री होती है एंड इसमें डॉक्टर मतलब डॉक्टर हॉस्पिटल सारे कॉलेजेस जो होते हैं वो किसी ना किसी हॉस्पिटल से टाइप किए होते हैं। एंड अगर हम GNIT की बात कर लें तो GNIT में भी फुल्ली AC मिलता है, पावर बैकअप मिलता है एंड लाइब्रेरी मिलती है, वाईफाई भी मिलता है इसमें। एंड अगर हम पानी की बात कर लें तो गर्मियों में ठंडा पानी मिलता है, ये तो नॉर्मल सी बात है लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया ताकि किसी को कन्फ्यूज़न ना रहे कुछ। एंड सिक्योरिटी मिलता है एंड CCTV कैमरा सारी कॉलेजेस में ऑलमोस्ट। नाउ अब हम हॉस्टल फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं कि हॉस्टल फ़ीस कितनी कितनी है। तो अगर हम लॉयड कॉलेज की हॉस्टल फ़ीस की बात करें तो 1,25,000 इसमें पर ईयर आपको देखने को मिलेगी। एंड हॉस्टल फॉर गर्ल्स की बात करें तो 1,05,000 इसमें पर ईयर आपको देखने को मिलती है। एंड अगर हम GL बजाज की बात करें तो GL बजाज में भी आपको 95,000 पर ईयर देखने को मिलती है फीस। एंड हॉस्टल मतलब गर्ल्स के लिए भी लगभग सेम ही है। एंड अगर हम GNIOT की बात करें तो GNIOT में भी 95,000 पर ईयर देखने को मिलती है एंड आपका हॉस्टल जो है वो गर्ल्स के लिए भी लगभग सेम है 95,000। तो लगभग जो चीज़ें देखने को मिली है कि हॉस्टल में लगभग सारी चीज़ें सेम है, बस फीस का थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड अगर हम कोर्सेज एंड फीस की बात करें तो वो क्वाइट डिफरेंस है तीनों कॉलेजेस में। उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आप यहाँ के स्टूडेंट से बात करना चाहेंगे तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है आप वहाँ से हमें कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।